कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गो कविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। अरे अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों से उम्र में छोटी हूँ। नहीं वकील साहिबा, आप हमारे लिए देवी से कम नहीं है। आपने हमारे बेटे को बचा लिया, वरना पुलिस ने तो झूठा केस बना के इसको अंदर कर दिया था। अगर ये जेल में होता तो इसकी नौकरी चली जाती और हम सब लोग बर्बाद हो जाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बेगुनाह था इसलिए बच गया। नहीं वकील साहिबा, आपने ही इसे बचाया, वरना यहाँ तो कितने ही लोग सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। वकील साहिबा, आज आप जिस जगह हैं, भगवान उससे भी ऊंची जगह आपको दे। वकील साहिबा, आपकी फीस। देखिए, कुछ केस मैं अपनी जानकारी के लिए लड़ती हूँ और कुछ केस दुआओं के लिए। आप लोगों ने जो मुझे दुआ दी है वही मेरी फीस है। ये जेडी सुमन अभय जी। हाय सर, एक थैंक यू। थैंक यू, जीत की बहुत बहुत बधाई। अभय, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? अब इसमें पता करने की क्या बात, जीत की खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। हाँ अभय, जीत की खुशी तो है मुझे, एक गरीब की जिंदगी बर्बाद होने से जो बच गई। ये तो अच्छा हुआ। चलो इसी खुशी में एक काम करते, हम आज रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं। श्योर। लेकिन अबे, तुम्हारे केस का क्या हुआ? होना क्या था, फिर वकील सफाई की तबीयत खराब, फिर नई तारीख। मैडम। यस। आपके लिए एक रजिस्टर पैकेट है। कहाँ से आया है? सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से? हाँ मैडम, और पैकेट के साथ एक लेटर भी है। मैडम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। क्या बात है शारदा, किसका लेटर है ये? अभय, ये सेंट्रल जेल के जेलर साहब का लेटर है
कामना का जो सामान जेल में था उसने अपने आखिरी विश में वो सारा सामान मुझे देने को कहा था। लेकिन ये कामना कौन है? मैं कामना को कभी नहीं भूल सकती। अब है जिंदगी कभी कभी ऐसा बेरहम मजाक करती है। मैंने जब से वकालत शुरू की है मैं सिर्फ एक ही केस हारी, वो भी अपनी सबसे प्यारी सबसे अजीज दोस्त कामना का। उसे फांसी हो गई अभय, और मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। वाकई शारदा, जिंदगी अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। देखो इस वक्त मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। अभय, मुझे कामना का गम जिंदगी भर सताता रहेगा। देखो शारदा, जाने वालों का गम तो होता है, लेकिन इस गम को जिंदगी नहीं बनाना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां से सीधे क्लब चलते हैं, ठीक है? तुम्हारे साथ स्नूकर का गेम खेलूंगा तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ओके चलें? चलो चलो। चलो जाओ और आराम करो। शुक्रिया अभय, आज तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तुम भी अजीब सी बातें करती हो, ये सब मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूं ना। जाओ कल कोर्ट में मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
यमुना की बच्ची। ये क्या कर दिया शारदा, पूरा बिगाड़ कर रख दिया। मैंने क्या किया? इतना अच्छा केक का डिजाइन बना रही थी, पूरा बिगड़ गया। कामना, आई एम सॉरी। कामना, तुम ड्राइंग में हमेशा डिस्टिंक्शन लेती रही हो, तुम्हें तो एक कामयाब पेंटर होना चाहिए। देखना, अगर जिंदगी ने कुछ करने का, कुछ बनने का मौका दिया तो एक दिन यही के मेरा निशान होगा, मेरी पहचान होगी। कामना, मुझे ये गम, ये दुख जिंदगी भर सताता रहेगा कि मैं तुझे नहीं बचा सकी। कानून ने तुझे भले ही मुजरिम ठहराकर तुझे फांसी पर चढ़ा दिया हो, मगर मुझे आज भी पूरा यकीन है कामना की तू बेगुनाह थी। तू बेगुनाह थी कामना। Your Honor, Mrs. Kamna Paliwal, एक नया ऐसे नेक और शरीफ औरत, एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक चींटी तक न मारी हो, ऐसी रहमदिल औरत एक इंसान का कत्ल कैसे कर सकती है? ये नामुमकिन है जैसा। एडवोकेट शारदा सिन्हा, आप अब तक ये साबित करने में जरूर कामयाब हो गई है कि मिसेस कामना पालीवाल ने अब तक किसी को भी नहीं मारा, और अब तक आपने अदालत के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे ये साबित हो सके कि मिसेस पालीवाल कातिल नहीं है। नहीं जान साहब, मैं बेकसूर हूं। दफा 302 के तहत मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। हैंग टिल डेथ।
हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों? अभय, मुझे आज सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आई, फिर मुझे मजबूरी नींद की गोली लेनी पड़ी। और तुम तो जानते ही हो, सोने के लिए नींद की गोली लेने से मुझे कितनी नफरत है, पर मैं क्या करती अभय। लेकिन नींद क्यों नहीं आई अभय? मुझे रात भर रह रहकर कामना का एक ख्याल आता रहा, वो दिन याद आते रहे जो मैंने उसके साथ हंसते खेलते गुजारे थे। मैंने कामना की किस्मत का सितारा अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। एक कॉन्ट्रैक्ट से उसके पापा को इतना प्रॉफिट हुआ कि देखते ही देखते कामना दौलत के अंबार में खेलने लगी। फिर मैंने उसे दुल्हन बनते हुए देखा। कितनी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, कितनी खुश थी वो अपनी जिंदगी में। उसने अपने लिए लड़का भी तो खुद ही चुना था। फिर एक दिन उसके फादर की डेथ हो गई। फिर वो मनहूस दिन भी आया उसकी जिंदगी में, जब वो मुजरिम के कटहरे में खड़ी थी एक खूनी की हैसियत से, और उसकी किस्मत का फैसला हुआ सजाए मौत। अब है वो फांसी पर चढ़ा दी गई। देखो शारदा, तुम्हें अपनी सहेली कामना को भूलना होगा, उसे अपने जहन से निकालना होगा। देखो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम जितना उसके बारे में सोचोगी उतनी तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आई नो अभय, जिंदगी कोई झील के पानी की तरह नहीं होती, जो एक ही जगह ठहर जाए, थम जाए, वो तो नदिया की एक धारा की तरह होती है, जो चलती रहती है, बहती रहती है। अभय, मैं भी चलती हूँ, मजिस्ट्रेट गुप्ता की कोर्ट में मेरी एक आर्ग्यूमेंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। हाय। अभय, तुम अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे? अब मैंने सोचा कल रात को तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो होटल से खाना लाया हूँ, जल्दी आओ। सिर्फ मेरे लिए लाए हो? वाह, कमाल है। अब अकेले तो तुम खाना खाओगे, मुझे भी खाने के लिए तो कहोगी ना। अभय, तुम भी ना, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी बात लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, भूख लगी है। अभी आई। बताओ तो सही। अबे वो कामना के मंगलसूत्र से खून टपक रहा है। अबे क्या? उस खून से फर्श पर के बन गया। देखो, दिखाओ मुझे, देखो, जल्दी आओ, बताओ कहाँ है। अबे देखो, देखो, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अबे, अबे मैंने अपनी आंखों से मंगलसूत्र से खून टपकते हुए देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
देखो शारदा, तुम कल रात से ही अपसेट हो, कल ठीक से सोई भी नहीं थी। जब से वो पैकेट तुम्हें मिला है तब से तुम्हारी सहेली कामला का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग पर सवार है। वो तो इस दुनिया से चली गई लेकिन उसके ख्याल ने तुम्हारे जहन में घर कर लिया है। लेकिन अभय, मैंने जो देखा वो मेरा ख्याल नहीं था। ओके, तुम एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। नहीं अभय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो तुम मेरे घर चलो। अभय, अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं अब। चलो तो खाना खा लेते हैं। अबे मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, एक काम करो, फ्रेश हो लो, थकान भी मिट जाएगी और नींद भी आ जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूं, टेक केयर। कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। नहीं अभय, मैंने देखा। अच्छा ठीक है, डरो मत, बताओ मुझे क्या है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो घबराने से कुछ नहीं होता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ बताओ क्या है। डरो मत, बताओ क्या है, कहां है बताओ तो। अभय नहीं, वो वहां क्या है? वो तो बिल्कुल साफ है। अभय क्या हो गया तुम? अभय तुम मेरी बात का भरोसा करो। अभय, अब जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो किस बात पे भरोसा करूं? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अभय, मैंने वो खून से केक बना हुआ देखा था। ठीक है शारदा। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हुआ भाई? तुम्हारी बात पे यकीन? देखो शारदा, तुमने ये सब सुना सुनाकर मेरे दिमाग में भी यही भर दिया। मैं इन सब पे भरोसा नहीं करता।
तुम्हें क्या लगता है ये कोई भूत प्रेत कर रहा है? देखो शारदा चुप, शारदा चुप। हाँ मैं बुलाती हूँ आत्माओं को, रूहों को। मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं मानते रूहों के वजूद को। वो नहीं मानते कि आत्माएं भी होती हैं। अगर तुम्हारे दिलों में भी ऐसा विश्वास ना हो तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं। बात यह है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। दो दिन पहले मैं उसका कुछ सामान अपने घर ले आई। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसने हमें परेशान कर दिया है। बुला सकती हूँ मैं तुम्हारी सहेली की आत्मा को, क्या तुम उससे मिलना पसंद करोगी? आप बुलाएंगी उसकी आत्मा को? मैं उससे मिलना चाहूंगी। नहीं, यहां नहीं। वो तो वहीं आ सकती है जहां ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे घर में। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, लेकिन रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि आत्माओं को बुलाने का समय वही होता है। क्या आत्माएं रात के 12 बजे के बाद ही आती हैं? अपनी मर्जी से वो जब चाहे आ सकती हैं, मगर हम अमल करने वाले आत्माओं को उसी वक्त बुलाते हैं जब सारी दुनिया सोती है। आइए। लाओ, मुझे वो लॉकेट दो जिसपे के बना हुआ है। मेरा इल्म मुझे ये कह रहा है कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ एक आत्मा ही कर सकती है। अब मैं उस आत्मा को बुलाऊंगी। वो जब यहाँ आएगी तो फिर आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। अगर तुम दोनों में से किसी का भी दिल कमजोर हो तो ये अमल मैं नहीं करूंगी। नहीं नहीं मिस सूरत वाला, आप अपना अमल कीजिए। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो। Thank you.
आ रही है, वो आ गई है। लगता है वो आ गई है। हे आत्मा, अगर तू आ गई है तो अपनी आवाज से अपनी मौजूदगी को जाहिर कर। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कामना पालीवाल है। ये तो सचमुच कामना की आवाज है। कामना, अभी मैंने ये तकसीद नहीं किया कि ये उसी कामना की आत्मा है। यानी? बताती हूँ। अगर तू वाकई कामना की आत्मा है तो इस कागज पर वैसा ही केलिख कर दिखाओ जैसा कि इस कागज पर है। ये वाकई में वही आत्मा है एडवोकेट शारदा सिन्हा। अब वो तुम्हारे सामने आ सकती है, लेकिन हम उससे पूछना चाहते हैं कि वो हमारी मौजूदगी में तुमसे बात करेगी या अकेले में। कहो आत्मा। मैं सिर्फ शारदा से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर हमारे जाने के बाद तुम इस अंधेरे के पर्दे को चीर कर शारदा के सामने नमूदार हो जाना। आइए अब है, आइए, घबराइए नहीं, चलिए। शारदा, मुझे माफ करना, मैं दो दिनों से तुमको बहुत परेशान कर रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं? इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा ना तो मेरा कोई था और ना ही मेरा कोई है। मैं जानती हूँ कामना, अगर ऐसा ना होता तो तुम अपना वो सारा सामान मेरे नाम क्यों लिखती? लेकिन कामना, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारा बुरा चाहा हो, कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो, कभी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो। कामना, मैं तो आखिरी वक्त तक तुम्हें बचाने की कोशिश करती रही। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम्हें नहीं बचा सकी कामना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर मुझे परेशान करने की वजह क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? नहीं नहीं शारदा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक फरियाद है तुमसे। फरियाद? हाँ शारदा, जब इंसान अपनी कामना पूरी करने से पहले ही मर जाता है या मार दिया जाता है तो उसमें एक खलिश बाकी रह जाती है और उसकी आत्मा भटकती रहती है, और जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती उसकी मुक्ति नहीं होती। तो तुम क्या कहना चाहती हो कामना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति मिल जाए? मुझे इंसाफ चाहिए शारदा। इंसाफ? इंसाफ के लिए तो मैं लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक तुम्हारा मर्सी पिटीशन में भिजवा चुकी थी, फिर भी तुम्हें सजाए मौत मिली। ये सब मुझे मालूम है शारदा, तुमने जो कुछ भी किया पूरी ईमानदारी से किया। एक तुम ही तो हो जिसने मेरे साथ रिश्ता निभाया। तो तुम ही बताओ कामना, मैं ऐसा क्या करूं? अब इस दुनिया में तो ऐसी कोई अदालत नहीं है जहां मैं दोबारा ये कह सकूं कि तुमने अपने पति का खून नहीं किया। हाँ शारदा, यही सच बात है, मैंने अपने पति का खून नहीं किया, बल्कि मेरे पति ने मेरा कत्ल किया है।
पति ने तुम्हारा कत्ल किया? हाँ शारदा हाँ। तुम क्या कहना चाहती हो कामना? अरे भला मरने के बाद कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? यही तो फरियाद है मेरी। मेरा पति मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ शारदा, जिसके कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सजा दी गई वो शख्स जिंदा है। नहीं कामना नहीं, ये कैसे हो सकता है भला? हाँ शारदा, मेरा पति जिंदा है और वो मेरी ही दौलत पर ऐश कर रहा है। शारदा तुम तो रवि पालीवाल को जानती हो। जानती ही नहीं कामना, उसे पहचानती भी हूँ। तुम इस रवि पालीवाल को जानती हो और ये उसका दूसरा रूप है और उसका नाम अब रवि पालीवाल नहीं बल्कि प्रकाश गर्ग है। प्रकाश गर्ग?